दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत करते हैं। और हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के लिए तीसरा वीडियो आपके लिए लाए हैं। आप इन वीडियो को बार बार देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें नोट डाउन कर लें या इनका पीडीएफ चाहिए आपको तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित तीसरा वीडियो जो महत्वपूर्ण है, इससे पहले थ्योरी के वीडियो भी हमने बनाया है, उनको यदि आपको देखना है तो प्लेबॉक्स में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा दिया है, पूरे वीडियो हमने बना के दिए हैं। दोस्तों हम बात करेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा वीडियो, और तीसरा क्वेश्चन 33 यहाँ पे है, और इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को शायद हमने पहले भी पढ़ा है ऐसा लगता है, आपको याद आता होगा, तो आप बताइए इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो हमने ये पढ़ा था, चित्र वर्णन की यहाँ पे बात हुई थी। चित्र वर्णन छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त है। हमने यह इसलिए प्रश्नों को रखा जिससे कि हम जानना चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चन को कितना याद रखते हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन को ऐसा समाहित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है 34वां, शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि है, यह बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कौन सी है। तो यहाँ पर अभ्यास प्रविधि की बात हमने पहले इसके दूसरे वीडियो में भी की थी। तीसरा, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है, मानसिक क्रिया का क्या प्रमुख पक्ष होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एकाग्रता, अर्थग्राह्यता, विस्तार और समग्रता। जब आप मौन वाचन करते हो तो अर्थग्राह्यता मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष होता है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का प्रमुख आधार होता है, जब बाल्यावस्था होती है तो भाषा सीखने का प्रमुख आधार क्या होता है? तो इससे पहले के वीडियो में भी हमने आपको बताया था, पुनः इस प्रश्न को लेकर लाए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है कि अनुसरण जो है इसके द्वारा बाल्यावस्था में भाषा सीखते हैं बच्चे। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, श्रवण कौशल बढ़ता है, भाषा कौशल बढ़ता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ होता है, बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। 38वां क्वेश्चन है, रचना कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि है अभ्यास प्रविधि, इकाई शिक्षण प्रविधि, अनुकरण प्रविधि। रचना कौशल के विकास हेतु सर्वोत्तम शिक्षण प्रविधि होती है प्रश्न प्रयुक्त प्रविधि। 39वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है? पहला, विभिन्न प्रविधियों का होना, क्षेत्रीय बोली, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र, पहले पढ़ना सिखाया जाए या बोलना। तो जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पे भाषा शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई की जो कठिनाई समस्या जो है हमारी, वह समस्या है क्षेत्रीय बोली। क्षेत्रीय बोली के कारण भाषा शिक्षण में समस्या आती है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बार बार करके बच्चे का उच्चारण सुधारा जा सकता है? तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा उपकरण है, पहला रेडियो, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा टेप रिकॉर्डर, चौथा दूरदर्शन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं भाषा सुधारने में, लेकिन आप जानते हैं कि रेडियो के द्वारा हम बच्चों को बार बार उच्चारण नहीं करा सकते क्योंकि इसमें एक बार में ही आता है और वह कार्यक्रम बंद हो जाता है। प्रोजेक्टर जो है तो यह खर्चीला है, सभी जगह उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यह भी उपयुक्त नहीं हो सकता। दूरदर्शन की बात करते हैं तो यह भी विकल्प दूरदर्शन वाला भी सही नहीं, क्योंकि यह प्रसारण एक निश्चित स्थान से होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो है, यह टेप रिकॉर्डर हमें हर जगह उपलब्ध है और हम इसमें चाहे जितने बार उतने बार बच्चों को सिखा सकते हैं, इसलिए टेप रिकॉर्डर बच्चों का उच्चारण सुधार सकता है। लो सूर्य डूब गया, इस वाक्य में सूर्य का अर्थ परिवर्तन का कारण है। यहाँ पर हमें बताना है कि परिवर्तन का कारण क्या है। सूर्य डूब गया, इसमें माधुर्य है, लघुता है, समास है या व्यंजना है,
तो यहाँ पर व्यंजना की गई है लो सूर डूब गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि सूर नहीं डूबता। स्याही शब्द के अर्थ विकास का कारण है, स्याही जो शब्द है इसके अर्थ विकास का कारण होता है, अर्थ विस्तार, अर्थोपदेश, अर्थ संकोच इनमें से कोई नहीं, तो अर्थ विस्तार होता है। उष्ट शब्द के अर्थ परिवर्तन का कारण है समास, देशगत, सुकथन और अलंकार, तो यहाँ पर देशगत इसका सही जवाब है। 44वां है अर्थ बोध होता है परानुभव से, आत्मानुभव से, आ एवं ब से, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है आ एवं ब से, अर्थात सा नंबर का क्वेश्चन। 45 में देखते हैं हम, जब अर्थ परिवर्तन से अर्थ में गिरावट आ जाती है तब अर्थोपदेश होता है, अर्थ विस्तार होता है, अर्थोकर्ष होता है और अर्थोपकर्ष होता है, तो यहाँ पर अर्थोकर्ष होता है, अर्थोत्कर्ष होता है, यहाँ पे अर्थोप लिखा है और यहाँ पे अर्थोत्कर्ष है, तो जब अर्थ परिवर्तन में अर्थ में गिरावट आती है तो अर्थोत्कर्ष होता है। बासमती चावल तुलसी भोग से अच्छा है, यहाँ अर्थबोध की दशा है, यहाँ पर अर्थबोध की कौन सी दशा है, तो व्याख्या है, प्रकाशन है, ज्ञान का सानिध्य है, सुकथन है, तो सही जवाब ज्ञान का सानिध्य है। तेल शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है, अर्थ संकुचन हुआ है और अर्थोपदेश हुआ है, अर्थ विकृत हुआ है, तो यहाँ पर तेल शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है। तू घर चल वाक्य है, विभक्ति रहित सहित, विभक्ति रहित और विभक्ति अपूर्ण, विभक्ति पूर्ण, तो यह विभक्ति रहित है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कारक जो है वह कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है, इसलिए विभक्ति रहित है। यदि आपको कारक देखना है तो हमने इनके भी वीडियो बनाए हैं, आप हमारे प्ले बॉक्स में जाके ये सब देख सकते हैं। हरिजन शब्द के अर्थ में परिवर्तन का कारण है, हरिजन शब्द के अर्थ में परिवर्तन का क्या कारण है, तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोपदेश, अर्थोपकर्ष, तो यह अर्थोपकर्ष सही जवाब इसका है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला का तीसरा वीडियो था, अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों तक।